नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया टीम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नगरवासियों को सरकारी भूमि पर आवास बनाकर दें महबूब अली। रामपुर नगर पंचायत नरपत नगर दुंदावाला निवासी सीनियर अधिवक्ता एवं भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला कोषाध्यक्ष महबूब अली एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजकर नरपत नगर दुंदावाला एवं शेखुपुरा में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर पात्र गरीबों को आवास बनाकर देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सीनियर अधिवक्ता महबूब अली एडवोकेट ने कहा कि नगर पंचायत नरपत नगर दुंदावाला एवं शेखुपुरा में आज भी ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनके पास न रहने के लिए आवास है न खाने के लिए अनाज है। ऐसे पात्र गरीबों को सरकारी भूमि पर आवास बना कर दिए जाएं। साथ ही महबूब अली एडवोकेट ने कहा कि नगर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत कुछ आवास आए जो कि भारत सरकार की योजना है और एक स्कीम है जिसका पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में आया है, जिसमें कुछ चेयरमैन पद उम्मीदवार तथा उनके करीदे अवैध वसूली कर रहे हैं। यह किसी प्रत्याशी की नहीं बल्कि सरकार की देन है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास है कि हर घर गरीब की सर पर छत हो, गरीब का आवास हो, सबके पास घर हो, सबकी सर पर छत हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर नगरवासी किसी भी दलाल को पैसे ना दें। रामपुर से शफीक अलवी की रिपोर्ट। गरीब का पैसा है उसके खाते में आया है, बल्कि इसके संबंध में तो मैंने और शासन से एक मांग ये रखी है कि नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पात्र हैं कॉलोनी, उनको आवास मिलने चाहिए, जो अभी भी नहीं मिले हैं वो पात्र व्यक्ति हैं। और मैंने एक मांग ये भी रखी है, मुख्यमंत्री जी को एक मैंने चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जैसे जो है स्वार नगर पालिका में और रामपुर नगर पालिका में आवास हैं, उस तरह के आवास बनाए जाएं, तो क्योंकि बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपने रहने की जगह ही नहीं है। मान लो जब रहने की जगह नहीं है तो वो सरकारी भूमि चिन्हित करके और उस टाइप के आवास बनाए जाएं जो मतलब जिनके पास जो किराए के मकानों में रह रहे हैं उनको वो आवास आवंटित किए जाएं। मैंने इस विभाग में जो है मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखी है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि वो वाले आवास आएँ और नरपत नगर दुंदावाला शेखुपुरा को आवास मिले। आपकी ये मांग है कि जो भूमि पे भूमि चिन्हित करके जो आवास बनाए जाते हैं जी, बे आवास बनाए जाते हैं जी मेरे जो है। लेकिन एक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि कई प्रत्याशियों ने ये आरोप भी लगाया और जनता ने भी ये बात को कहा, तो आप भी क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है क्या चेयरमैन पद प्रत्याशी या उनके करिंदे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे द्वारा कॉलोनी पढ़वाई गई और ऐसे अवैध वसूली कर रहे हैं? नहीं, कॉलोनी तो देखो ये किसी प्रत्याशी के द्वारा नहीं पढ़ा डलवाई गई है, कोई आवास जो है उनके द्वारा नहीं, ये तो एक शासन के द्वारा एक सर्वे हुआ था और जो है उसी के अनुसार ये जो है आवास मिले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्रधान या किसी पूर्व प्रधान या किसी पीडीसी या जिला पंचायत का ये कार्य हो, किसी जनप्रतिनिधि या जो उम्मीदवार इस बार मैदान में उनका भी ये कार्य नहीं है, बल्कि ये शासन का ही कार्य है, शासन के द्वारा आई है। कोई भी अगर इस पर अपना लेबल लगा रहा है तो वो गलत है, ऐसा नहीं है। अब हमने तो और बल्कि एक मांग ये रखी है कि अभी जब हम क्षेत्र में घूमे चूंकि हम डोर टू डोर हमारा संपर्क रहता है और जनता की आवाज़ उठाना ही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि जनता की गरीबों की मांग उठाए, तो हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं नरपत नगर दुंदावाला और शेखुपुरा में कि उनके पास मतलब रहने की जगह नहीं है, बल्कि वो रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। अब जब वो किराए पे रहते हैं तो उनको इस तरह के आवास मिले जो सरकारी भूमि पे बनाए जाते हैं, जैसे स्वार नगर पालिका में है, रामपुर नगर पालिका में है, और उन गरीबों को वो आवंटित करे जाए। मेरी शासन से आपके चैनल के माध्यम से मांग भी है और मैंने इसमें लिखा पड़ा। हमारी टीम इंडिया टीम की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि हमारे टीवी इंडिया आइटम पर हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को और हर राज्य की खबरों को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और लाइक अवश्य करें।